नमस्कार, मैं चिरंजीव सबको स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरा YouTube वीडियोस में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले आया हूँ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन। ये गार्डन कोलकाता का सिपुर में है और ये गार्डन में स्पेशली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द ग्रेट बनियन ट्री। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका बरगद का ट्री है जो बोला जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजाति से एक है और ये कोलकाता में ही है। और इसमें आपको हजारों ऐसा पेड़ पौधा देखने के लिए मिलेगा जो आपका फिलहाल मतलब विलुप्त हो गया है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अभी गेट से एंट्री करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ गार्डन का। और आज लोग बहुत कम हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है इधर। तो हम लोग उधर तो बारिश नहीं हुआ था लेकिन इधर बारिश हो रहा है। और बताना चाहूंगा कि ये जो गार्डन है, इस गार्डन का पुराना नाम था इंडियन बोटानिकल गार्डन और फिलहाल इसका नाम चेंज होकर अभी नया नाम जो आचार्य विद्याचंद्र बोटानिकल गार्डन रख दिया गया है। और ये जो गार्डन है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1827 में ही इसका इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप लोग पीछे की तरफ देख ही सकते हैं बहुत सारा पेड़ है इधर। बताना चाहूंगा कि ये जो गार्डन है ये टोटल 190 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है और बोला जाता है कि इसमें टोटल 12,000 से भी ज्यादा जो पेड़ पौधा होता है, वनस्पति जो पेड़ होता है जो विलुप्त हो गया है, तो इन लोगों को यहाँ पे संरक्षण करके रख दिया गया है। तो देखते हैं चलिए आगे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो ये एक पेड़ है और ये जो पेड़ है ये मेक्सिको में मिला जाता है तो इसको भी यहाँ पे रखा गया है। ऐसे बहुत सारा पेड़ है तो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो हम लोग जो है आप लोगों को मेन चीजें ही दिखाएंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और ये है द ग्रेट बनियन ट्री जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये बनियन ट्री भारत का एक देसी पौधा है और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस एल। और ये जो पेड़ है ये 270 साल से भी पुराना ये पेड़ है और इस पेड़ ने 1985 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया था। फिलहाल ये पेड़ 18,918 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सत्रधारी पेड़ों में से ये एक पेड़ है और ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन में है।
तो अगर आप लोग आते हैं कोलकाता तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यूज़ आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। और अगर आप लोग आते हैं तो 5 बजे से ज़रूर आगे आइएगा, क्योंकि 5 बजे ये जो गार्डन है, ये जो बोटानिकल गार्डन है, ये टोटली क्लोज हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही, आप लोगों को मैंने जितना हो सका दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग है ये 5 बजे क्लोज हो जाता है, तो हम लोग आते आते लेट हो गया था और ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारा हम लोग जो है कवर नहीं कर पाए, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को समझा नहीं पाए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।